हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी एजुकेशन। आज हम लोग टिपू सुल्तान को पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट हमने कंप्लीट किया था हैदर अली एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैसूर, और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें हम लोग देखेंगे टिपू सुल्तान एंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ओके, तो लेट्स बिगिन। सो टिपू सुल्तान जो थे वो एक इनोवेटर थे, मतलब क्या है ना, वो बहुत सारे नए नए चीज़ को इन्वेंट करते थे। जैसे कि न्यू कैलेंडर लेके आए थे, फिर कॉइनेज सिस्टम, वेट करने का जो सामान होता है, जो मेजरमेंट होता है, वो सारे चीज़ जो है वो न्यू लाए थे। ओके, यूज़ में उनको बहुत सारा चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट था, मतलब वेरीड, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर उनका इंटरेस्ट था। ये कैसे पता चलता, उनका जो पर्सनल लाइब्रेरी था ना, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर बुक्स थे, जैसे रिलीजियस बुक भी थे, हिस्टोरिकल बुक्स भी थे, फिर मिलिट्री साइंस के ऊपर भी वो रुचि रखते थे, प्लस मेडिसिन, फिर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उस समय के राजा देखिए, लेकिन उनका बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो भी चल रहा है उससे वो परिचित रहना चाहते थे, और अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए ही शायद वो ये सारे चीज़ को पढ़ते थे। उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ओके, और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। उन्होंने अपने जो श्रीरंगापट्टनम, उनका जो कैपिटल सिटी था, उनके वहाँ पर वो ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाए थे, ठीक है। अच्छा, प्लस वो जैकोबिन क्लब का मेम्बर भी थे। उनका आर्मी जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा वेल डिसिप्लिनड आर्मी था, और वो बहुत लॉयल भी थे, मतलब जो भी उनके जो आर्मी के पीपल थे वो लोग बहुत ही लॉयल थे उनके प्रति। ओके, देखिए उस समय में इन्होंने आर्मी वाले को मस्केट एंड बेयोनेट्स जो पहनते हैं वो सब सुविधा दिए थे, यूरोपियन फैशन, जो यूरोपियन लोग जो यूज़ करते थे वॉर में अपने आर्मी लोगों के लिए वो सब। और ये सब कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता था, वो भी मैसूर में ही होता था। देखिए वो एकदम अपने पिता के नक्शो कदम में चलते थे, क्योंकि उनके फादर भी 1755 में वहाँ पे एक नया न्यू आर्सेनल, मॉडर्न आर्सेनल तैयार किए थे दिंडीगल में। और वही देखिए यहाँ भी टीपू ने भी वही रास्ता अपनाया, वो सारे मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर हो रहा है जो सारी चीज़ वो मैसूर में, ठीक है। टीपू ने नेवी को थोड़ा मॉडर्नाइज करने की कोशिश किया, उन्होंने दो डॉकयार्ड भी बनाया, और जो डॉकयार्ड बनाया था उसका जो मॉडल था टीपू खुद तैयार करते थे, ठीक है, खुद तैयार करके दिए थे। उनका जो इकोनॉमी था वो बहुत ही बेहतरीन था, वो जो जागीरदारी सिस्टम है उनको वो स्टॉप करना चाहते थे, जागीर नहीं दे, मतलब देना बंद किए थे। और जागीर बंद करने से क्या होगा, किसी को फ्री में आप जागीर दे दे रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका स्टेट का इनकम घट रहा, तो वो सारी चीज़ अगर बंद करते हो तो फिर क्या होगा, स्टेट का रेवेन्यू आना बढ़ेगा, स्टेट का रेवेन्यू आएगा। ओके, प्लस जाके जो ज़मींदारी सिस्टम, जो हेरिडिटी था उसको भी बंद करने के लिए इनिशिएटिव्स कुछ लिए थे, तो उससे क्या होता था, ज़मींदार जैसे मिडिलमैन हो गया, तो कल्टीवेटर और जो स्टेट जो है उसके बीच में इंटरमीडियरी नहीं रहेगा, तो क्या होगा, थोड़ा कल्टीवेटर का और स्टेट के बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं रहने से दोनों को ही फ़ायदा होगा। लेकिन लैंड रेवेन्यू जो टीपू का था ना, वो थोड़ा ज़्यादा था उनके हिसाब, उनके टाइम के जितने भी राजा लोग थे उनका एरिया में जो रेवेन्यू लगता था और टीपू के एरिया में जो रेवेन्यू लगता था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन वो कोई भी अगर वहाँ पे इलीगली कुछ हो रहा है या फिर कुछ करप्शन हो रहा है, ये सारे चीज़ वो देखते थे। उनका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो 1/3 था, ग्रॉस जितना भी टोटल प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन होगा, उसका 1/3 था, लेकिन वो इलीगल सेस वगैरह देखते थे और बहुत लिबरल थे रेमिशन ग्रांट करने के लिए। देखिए ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे वो, प्लस जाके अपना एमिसरीज भेजते थे, फ्रांस में भेजे थे, ईरान, पेगू, म्यांमार ट्रेडिंग के लिए, ओके, प्लस जाके वो चाइना से भी ट्रेड करते थे। देखिए उस समय का वो एक ही राजा थे, एक ही बादशाह थे जो कि रियलाइज़ कर गए थे कि इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, अगर आपको मिलिट्री बेस बनाना है, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाना है, या फिर आपको कुछ दिनों तक राज करना है, सालों तक राज करना है, या अपना आधिपत्य जमा कर रखना है, तो आपको अपना इकोनॉमी जो है ना वो बहुत अच्छा से अपना मैनेज करना होगा और उसको बढ़ाना होगा।
उन्होंने नया इंडस्ट्री भी स्टार्ट किए थे, मॉडर्न इंडस्ट्री, इंपोर्ट किए थे फॉरेन वर्कमैन को, मतलब बाहर से ले आते थे एक्सपर्ट्स और फिर जाके वो स्टेट सपोर्ट करते थे। उन्होंने ट्रेड स्टार्ट करना चाहा अरब में प्लस रशिया में, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, अपना स्टेट में ही वो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस खोले थे, मतलब जहाँ पे जो जो पोर्ट टाउन्स थे उनके, तो वहाँ पे ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट खोले थे। प्लस उनका मंशा क्या था कि यूरोपियन लोग जिस तरह से ट्रेडिंग कंपनी चलाती है उसी तरह का वो ट्रेडिंग कंपनी बाद में जाके खोले ऑन यूरोपियन पैटर्न, ठीक है, इतना तक वो सोच के रखे थे। सोचिए अपने समय में बहुत आगे हैं, मतलब जितने भी कंटेम्पोररी राजा लोग थे, मराठास हुआ, मुगल हुआ, बंगाल हुआ, अवध हुआ, तो उन लोगों से ये बहुत ज़्यादा ही एडवांस थे, ठीक है। उनका खाली मन नहीं था कि चलो दिल्ली में जाके खाली आधिपत्य जमाना है, खाली राज करना है, ऐसा नहीं था। वो वर्ल्ड ओवर देखते थे, मतलब उनका जो सबसे मिलते थे फ्रेंच लोग से और भी जो एमिसरीज भेजते थे, उन लोग से पता चलता था कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में ज़रूरत अभी किस चीज़ का है, किस तरह से ग्रोथ होगा, तो अपने आप को अप टू डेट रखते थे। और ये सब फालतू का मतलब गद्दी संभालना है, राज करना है, ये सब ठीक है, लेकिन अपने आप को बढ़ाना कैसा है, अपना सेल्फ ग्रोथ किस तरह से करना है, अपने राज्य का ग्रोथ किस तरह से करना है, वो भी उनको बहुत अच्छा से पता था। देखिए रिलीजियसली वो टॉलरेंट थे, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स में वो बिलीफ उनका था, प्लस जैके ही वॉज अ रिलीजियस फैनेटिक, ये सब बोलते थे। लेकिन क्या है ना, कुछ कुछ ग्रुप्स ऐसा है कि वो जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनमें हमेशा रेगुलर बेसिस में गिफ्ट्स भेजते थे, प्लस जाके शारदा देवी जो गॉड है उनके जो टेम्पल श्रृंगेरी में था, श्रृंगेरी का जो टेम्पल है शारदा देवी का, वहाँ पर मराठा जो हॉर्समैन है वो लोग वहाँ पे लूट मार किए थे, ठीक है, लूट के ले गए थे, तब जाके उन्होंने बहुत ज़्यादा ही मदद किया था। तो इससे पता चलता है कि उनको रिलीजियस से कोई प्रॉब्लम नहीं था, डिफरेंट रिलीजन से, हिंदू से, ओके। देन वो देखिए उनका जो पैलेस था श्रीरंगापट्टनम में, वहाँ उनका जो पैलेस था उनके सामने ही श्री रंगनाथ टेम्पल भी था, तो इससे पता चलता एकदम पैलेस के सामने में ही अगर कोई अगर रिलीजियस टॉलरेंट नहीं होगा तो जाहिर है कि घर के सामने वो अपने कोई दूसरे मज़हब का मंदिर नहीं बनाने देगा, लेकिन वो मंदिर था। तो इससे पता चलता है कि अगर रिलीजियस वो ऑर्थोडॉक्स बिलीव करते थे, ऑर्थोडॉक्स मतलब उनका विचारधारा हो सकता है रिलीजन को लेकर, लेकिन वो रिलीजियसली टॉलरेंट थे, ठीक है। नाउ ये वो रिलीजियस टॉलरेंट थे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जितना वो दयालु भी थे, काइंड भी थे, लेकिन वो इस तरह के इंसानों को बर्दाश्त नहीं करते थे, वो कोई भी मज़हब का हो, ठीक है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि वो जाके ब्रिटिशर्स लोग के साथ हाथ मिलाए या षड्यंत्र करे तो उन लोगों को वो कभी माफ़ नहीं करते थे, ठीक है। पर्सनल लाइफ में वो एकदम वाइसेस, उनका कोई वाइसेस नहीं था, मतलब दूर दूर तक उनका मतलब जो होता है एक राजा का कि हाँ लग्जरियस लाइफ बिताते हैं, शराब में डूबे रहते हैं, ये सब से बहुत ही दूर थे, और वो बहुत बड़े ब्रिलियंट कमांडर थे। देखिए ये जो कुछ राजस लोग थे, हम लोग पहले भी पढ़ चुके, देखिए बंगाल में जैसे मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, फिर जाके अवध में हम लोग पढ़े थे सादत जो थे, प्लस जाके सफदरजंग जंग जो थे, प्लस जाके आपका जो बरानुल मुल्क जो थे, वो लोग क्या थे ना, प्लस औरंगजेब जो थे, ये लोग सब भी जो राजा लोग थे अपने आप को ग्रो करना चाहते थे, और वाइसेस कुछ नहीं था इन लोगों का, लग्जरी भी लाइफ लीड नहीं करते थे उस तरह से। तो टीपू और टीपू के फादर जो थे वो दोनों ही उसी तरह में आते हैं, ठीक है ना। बहुत ब्रेव ब्रिलियंट कमांडर थे ये टीपू सुल्तान। देखिए थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लड़े थे। अभी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है 90 to 92 था, 1790 से 92, एंड फोर्थ जो था 1799 में। चलिए हम लोग थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर थोड़ा देखते हैं, ओके, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो हुआ था, ठीक है, जब 1784 में, उससे क्या पता चला था कि मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है मैसूर का, उसको आपको पता चला था सबको कि हाँ मिलिट्री स्ट्रेंथ मैसूर का अच्छा खासा है, और ब्रिटिश का वीकनेस भी यहाँ पे पता चल गया था, ठीक है। इसके बावजूद
टीपू जो इतना रिफॉर्म्स कर रहे हैं, अपना इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, बाहर के देशों से सबसे दोस्ती कर रहे हैं, वर्ल्ड में चारों तरफ में क्या चल रहा है उसका पता लगा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स लोग का मंशा क्या है, तो इससे ब्रिटिशर्स लोग बहुत चिंतित हो गए थे। उन लोगों को लगा था ये इंडिया में अगर कोई उन लोगों को रोक सकता है या टक्कर दे सकता है तो ये जो टीपू है वही, तो टीपू को हटाना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। प्लस जैसे निज़ाम और मराठा उन लोगों को भी, उन लोगों के ऊपर भी टीपू का गुस्सा था, क्योंकि वो लोग अलाई होते हुए भी उसका फादर के साथ नहीं दिए, वो जिस समय ज़रूरत था एकदम लास्ट समय में मोमेंट में उस समय वो लोग बिट्रे कर दिए थे। तो ये सब कुछ कुछ कारण था, और टीपू उनके फादर के तरह ही चाहते थे कि पूरा इंग्लिश लोगों को एलिमिनेट एकदम बाहर उखाड़ के फेंकना चाहिए इंडिया से। तो ये सारा बैकग्राउंड बन रहा था वॉर के लिए। अभी इंटरनल की कॉजेस क्या हम बोल सकते हैं, इंटरनल रिफॉर्म्स एक तो था, अपना पोजीशन स्ट्रेंथन कर रहा था टीपू, प्लस जाके ये सब मराठास ब्रिटिश निज़ाम इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, प्लस वो चाह रहे थे कि टीपू अपना जो एम्बेसीज भेजे थे वो चाह रहे थे कि फ्रांस एंड टर्की से उनको हेल्प मिले, ठीक है, हेल्प के लिए वो भेजे थे, प्लस उनका जो टेरिटरी था वो एक्सपेंशन कर रहे थे, और वो भी क्या, वो उसका जो नेबरिंग जो राज्य है उनसे कर रहे थे, ट्रावेंकोर के राजा से वो टेरिटरी का खर्चा भी चलवा रहे थे, क्यों, क्योंकि वो ब्रिटिश का अलाय थे, ठीक है। प्लस जाके 1789 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो उन लोगों ने एक ट्रीटी किया था, ट्राईपार्टी अलायंस किया था, नॉट ट्रीटी, ट्राईपार्टी अलायंस किया था हैदर को, हैदर के डेथ के टाइम, उसके पहले, ठीक है, जब आपका गुंटूर को कैप्चर करने गए थे, उसके बाद उस समय जो हैदर ने अलायंस किया था उस अलायंस को तोड़ के ये आपका जो हेस्टिंग थे वो उन्होंने जाके जो अलायंस किया था निज़ाम एंड मराठास के साथ, वही वाला अलायंस को इन्होंने फिर से किया, ठीक है, और इन्होंने ब्रिटिश ने हाथ मिला लिया, और जाके क्या हुआ कि वॉर का स्टार्ट हो गया। अभी वॉर किस तरह से होता है, देखिए ये जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है ये तीन फेज में होता है। फर्स्ट फेज होता है 1790 से, तो हम लोग चलिए देखते हैं किस तरह से क्या होता है। फर्स्ट फेज में जो है 1790 में, वहाँ पे गवर्नर जो था मद्रास का वो थे मेडोज, ठीक है। मेडोज क्या करते हैं, उनको बोला जाता है कि तुम मैसूर को इन्वेड करो, तो ये मैसूर के ऊपर अटैक करते हैं। टीपू क्या करते हैं, रैपिड मूवमेंट उनका होता है, और क्या बोलते हैं, टीपू भी अपना फाइट बैक करते हैं और इसको रोक देते हैं, और ये बढ़ नहीं पाते हैं, इनको हार मिल जाता है, तो मीन्स क्या है ना, हार का सम्मुखीन करना पड़ता है, तो इंग्लिश हार जाते हैं वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा हैवी लॉस इन लोगों को उठाना पड़ता है, ठीक है। सो फर्स्ट में 1790 मई में होता है, मेडोज, व्हाट डिड मेडोज डू, मेडोज अटैक्ड मैसूर, ठीक है, और टीपू फाइट बैक एंड हॉल्टेड द प्रोग्रेस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश फेस्ड अ हैवी लॉस, तो यहाँ पे कहानी हॉल्ट हो जाता है, मई 1790 का बात है। सेकेंड फेज होता है दिसंबर 1790 को, उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करते हैं, वेलोर से मार्च करते हैं और बेंगलोर को जाके 1791 में कैप्चर कर लेते हैं। टीपू क्या करते हैं, वो मैसूर से आते हैं और उनका ब्रिलियंट जो स्ट्रेटजी होता है उनको रोक देते हैं और उनको मजबूर कर देते हैं, किनको, ये कॉर्नवालिस को, कि वो मैंगलोर में जाके रिट्रीट करें, ओके। तो यहाँ पे सेकेंड फेज में भी कॉर्नवालिस, तो अभी कॉर्नवालिस जो है वो वहाँ पे वेट कर रहे थे, कहाँ पे, आपका मैंगलोर में। तो बाद में क्या होता है कि ये दिसंबर का बाद था, ठीक है, 1791 में, अभी जाके मराठास लोग सपोर्ट कर देते हैं इंग्लिश को, कॉर्नवालिस को, और अपना जो है वो मिलिट्री प्रोविजंस वहाँ पे भेज देते हैं, किनको, कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस क्या करते हैं, श्रीरंगापट्टनम पहुँचते हैं, मार्च करते हैं श्रीरंगापट्टनम, और बहुत ही चालाकी से जो श्रीरंगापट्टनम का हिल फोर्ट्स जो है वो जाके सीज कर लेते हैं, ठीक है, स्विफ्टली कैप्चर्ड एंड ऑक्यूपाइड द हिल फोर्ट्स नियर श्रीरंगापट्टनम। तो श्रीरंगापट्टनम का जो फोर्ट्स था हिल में, वो सारा सीज कर लेते हैं और फिर टीपू को
यहाँ पे डिफीट का सामना करना पड़ता है। कब? फरवरी 1792 में। ओके, यहाँ पे जाके एक ट्रीटी साइन होता है टीपू और इंग्लिश के बीच। इसमें क्या होता है, टीपू को अपना डोमिनियन, अपना जो राज्य था उसमें से बहुत सारा सरेंडर करना पड़ता है। 3 करोड़ रुपया उनको इंडेमनिटी देना पड़ता है, वॉर कंपेंसेशन, ठीक है, और उनका जो 2 लड़के थे उनको होस्टेज, एज ए होस्टेज देना पड़ता है, ठीक है। बाद में जाके आपका दोनों तरफ का एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जो भी प्रिजनर्स है उनको छोड़ा जाए। ब्रिटिशर्स जो है उनको बहुत सारा टेरिटरी मिल जाता है मालाबार कोस्ट का, प्लस जाके बड़ा महल डिस्ट्रिक्ट एंड दिंडीगुल वो भी आपका मिल जाता है। अभी देखिए मैसूर, थर्ड मैसूर वॉर के बाद इंग्लिश ने, इंग्लिश के साथ मैसूर तो रिड्यूस हो ही चुका, टीपू को डिफीट मिला सही है, लेकिन अभी पूरा पूरी डिस्ट्रॉय हुए नहीं। तो अभी अगर हम लोग समराइज करें थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को पूरा, तो इसमें क्या हम लोग देखेंगे, थर्ड वॉर में मिडोज जो है, फर्स्ट होता है गवर्नर मिडोज जो है वो मद्रास से आके मैसूर के ऊपर अटैक करते हैं, उसमें टीपू जीत जाता है और उनको हार का सामना करना पड़ता है। सेकेंड फेज में क्या होता है कि कॉर्नवालिस बैंगलोर में, बैंगलोर को कैप्चर करते हैं, लेकिन वहाँ भी टीपू रिटेलिएट करता है और वन हो जाता है। थर्ड में क्या होता है, श्रीरंगापट्टनम को अटैक करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं मराठास का हेल्प से, और टीपू को हारना पड़ता है। देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे आप लोग को बहुत ही डिटेल्स में जाके बता रहे हैं, क्योंकि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों का काम आ सकता है, ठीक है, आ सकता नहीं है, आएगा ही। अगर इस तरह का क्वेश्चंस आता है आपका कुछ भी ऐसे टाइप का कि शॉर्ट आपका कुछ नोट्स अगर लिखना होगा कि मैसूर के ऊपर या फिर आपका टीपू सुल्तान के ऊपर, तो ये सारा चीज़ जो है ना, हम लोग खाली क्या जानते हैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली जीत गया, सेकेंड मैसूर वॉर में इंग्लिश ने हैदर को मार दिया, थर्ड में टीपू हार गया, फोर्थ में टीपू मारा गया, इतना ही हम लोग जानते हैं। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों लड़ाई हो रहा था, किस लिए हो रहा था, प्लस जाके इसका की रीजंस क्या था, और कितना, देखिए ये जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है ना, इसका जो फेजेस है ये कहीं पे आपको कोई भी चैनल आपको समझाएगा ही नहीं इतना डिटेल से, तो प्लीज़ इसको थोड़ा अच्छा से समझिए। देखिए अभी हम फ्लो चार्ट में आप लोगों को बना दिए, देखिए बहुत ही अच्छा से हम बनाए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट फेज जो है 1790 मिडोज और टीपू के बीच में होता है, टीपू वन। सेकेंड फेज जो होता है दिसंबर 1790, वो मई 1790 या दिसंबर 17, किसके बीच में हुआ था, कॉर्नवालिस एंड टीपू का, बैंगलोर में, बैंगलोर कैप्चर कर लिए थे कॉर्नवालिस, टीपू रिटेलिएट करके जीत गए थे, साइड कर दिए थे कॉर्नवालिस को मैंगलोर में। थर्ड फेज जो होता है कॉर्नवालिस प्लस मराठा का जो प्रोविजन आया था उनसे हेल्प मिल गया, और टीपू का श्रीरंगापट्टनम का हिल्स जो है वो हिल फोर्ट जो है वो कैप्चर कर लिया, टीपू लॉस्ट। तो इस तरह से अगर आप एक बार भी देख लीजिएगा ना ये फ्लो चार्ट को, तब आपका दिमाग में रह जाएगा, इस तरह से पढ़ा कीजिए ना। ये तो हो गया आपका सेकेंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थोड़ा सा मैप देख लेते हैं हम लोग कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, ये देखिए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ये जो है ना मैसूर इसमें समेट के रह गया। फोर्थ के बाद देखिए और भी छोटा हो गया, देखिए थर्ड के बाद ही, थर्ड से पहले ही ये था, अभी फोर्थ में तो ये जो बचा था मैसूर इसी को फिर से पार्ट बाय पार्ट कर दिया। तो हम लोग देखते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा, लास्ट में हम लोग देखे थे मैसूर का एरिया बहुत ज़्यादा था उसी मैसूर का, देखिए ये टोटल जो आप देख रहे हैं वो ये जो क्रॉस देख रहे हैं ना, क्रिस क्रॉस, ये जो लाइन्स हैं यहाँ पे, जो ग्रीड्स देख रहे हैं वो ग्रीड्स भी आप अगर काउंट कर ली, मतलब ऐड कर लीजिएगा, तो वो मैसूर था, तो वो सारा चीज़ बट गया था, वो दे दिए थे हैदर अली के डेथ के बाद, कुछ सारा टेरिटरीज देना पड़ा था। ओके, तो ये विजयनगर एम्पायर का था, ये यहाँ से पूरा ये जो पोर्शन है, ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो आप लोग देखे थे फर्स्ट वीडियो में। तो एनीवेज चलिए हम लोग फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर देखते हैं। देखिए फोर्थ का क्या रीज़न था, टीपू को एक तो बदला लेना था, क्योंकि इतने टीपू बहुत ज़्यादा ही हिम्मत वाले थे, उनको ये ह्यूमिलेटिंग वाला जो डिफीट हुआ है, मतलब चोरी चुपके से आप लोग कैप्चर कर ले रहे हो, सामने सामने तो हरा नहीं पा रहे लेकिन चोरी से कर रहे हो आप, पीछे से जाके बैक बाइट कर रहे हो, तो ये पसंद नहीं था। और वो जो टर्म्स एंड कंडीशन जो लगाए थे, इम्पोज किए थे उनके ऊपर, वो उनको एकदम ही गवारा नहीं था, ठीक है। प्लस जाके टीपू इतने सब झमेला हो रहा है, इतना युद्ध हो रहा है, उसमें उसके बावजूद भी देखिए इतना वो स्ट्रांग माइंडेड थे और इतना ज़्यादा वो मतलब
पॉजिटिव उनका एटीट्यूड था कि वो मैसूर को तब भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, ठीक है। प्लस जाके उनका जो रिफॉर्म्स था, फॉरेन रिलेशंस था, ये फ्रांस, टर्की, अरब, इनसे वो मदद के लिए भेजे थे और वो वेट कर रहे थे कि हमको मदद आ जाए। तो ये सब जो है ना, प्लस फ्रेंच रेवोल्यूशन को वो सपोर्ट करते थे और फिर ट्री ऑफ लिबर्टी एंड जैकोबिन क्लब का मेंबर हुए थे। प्लस जाके एक और बड़ा चीज़ था कि नेपोलियन उस समय जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के सबसे बड़े जो स्टेट्समैन थे, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, वो इनके बहुत करीब थे टीपू का। उन्होंने फ्रेंडली लेटर भी भेजा था टीपू को, ठीक है। तब नेपोलियन इजिप्ट में थे, ओके, उस पीरियड का बात बोल रहे हैं। ये सारा चीज़ रिचर्ड वेलेस्ली को ठीक नहीं लगेगा, जो गवर्नर जनरल थे उस समय इंडिया के, उनको ये एकदम ही गवारा नहीं, क्योंकि नेपोलियन से ये बहुत ही डरे हुए थे। तो क्या कहते, टीपू को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो नेपोलियन का अलायंस बने हुए थे और इनको पता चल गया था अगर एक बार नेपोलियन इंडिया तक पहुंच गया और टीपू को सपोर्ट कर दिया तो इंडिया से जो ब्रिटिशर्स लोग का जो दाना पानी है वो पूरा पूरी उठ जाएगा। इसीलिए ये एकदम मतलब कोशिश कर रहे थे, एकदम लगे थे कि टीपू को किस तरह से दबाया जाए, उसको हटाया जाए रास्ते से, उसको अपने अंडर में कब्जा कर लिया जाए। लेकिन टीपू तो वो होने वाले नहीं थे। एनीवेज, तो इन्होंने क्या किया, वही 1790 वाला जो ट्राईपार्टी अलायंस था मराठा लोग का, वो मराठा निज़ाम का, उसको फिर से एक्टिवेट कर दिया। पहले तो मराठा बोले नहीं, हम न्यूट्रल रहेंगे, हमको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो निज़ाम थे ना, वो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस ऑलरेडी साइन कर लिया था वेलेस्ली का, और उनका वहाँ पे जो फ्रेंच का आर्मी लोग था वो सब बंद हो चुके थे, ठीक है। प्लस जाके ये सब देखने के बाद मराठा लोग बोले ठीक है, चलो सपोर्ट करते हैं, ओके। तो ये देखिए, यहाँ पे वायसराय नहीं होगा, ये गवर्नर जनरल होगा, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ये जो रिचर्ड वेलेस्ली थे, उन्होंने टीपू को एक लेटर लिखा कि आप हमारा सब्सिडरी अलायंस सबमिट साइन कर लो और जो फ्रेंच टेरिटरी है उसको हटाओ यहाँ से। देखिए, सब्सिडरी अलायंस क्या था कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, प्रोटेक्शन के लिए हम अपना जो आर्मी है वो आपके यहाँ पे रखेंगे और हमारा एक परमानेंट एक स्टाफ भी रहेगा वहाँ पे, ऑफिसर भी रहेगा स्टेशन परमानेंट। आपको जो भी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो भी डिसीशन लेना है, मतलब बाहर इंटरनल मतलब किसी से अगर कोई स्टेट से अलाई करते हैं, एक्सटर्नल किसी कंट्री से आप अलाई करने जाते हैं, तो वो आप हमारे इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते हैं। ये सब हम लोग दूसरे लेक्चर्स में देखेंगे, तो इस अभी के लिए इतना ही समझिए कि टोटल जो आपका टेरिटरी का जो भी वजूद है ना, वही मिट जाएगा ये सब्सिडरी अलायंस से। ये पूरा पूरे डिपेंडेंट हो जाएगा, वो जो बादशाह रहेगा वहाँ का या राजा रहेगा वो ब्रिटिशर्स लोग के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाएगा, उनका बिना इजाज़त के वो लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और प्लस जो ये जो आर्मी रखेंगे, प्लस जो ये ऑफिस स्टाफ रखेंगे, जो उसका खर्चा भी आप अपना ट्रेजरी से ही दोगे, हम नहीं देंगे, हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको कोई डरने का जरूरत नहीं बाहर से, लेकिन आप ये जो हम प्रोटेक्शन देंगे उसके लिए हमको एक खर्चा भी चाहिए, ठीक है। तो टीपू ये सब सुने ही नहीं, ठीक है, पूरा टीपू पुट अ डेफ एयर टू देम, एक कान से सुन के एक कान से निकाल दे, कुछ सुने नहीं। इसमें क्या हुआ, रिजल्टेड इन दी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये जंग आपका छिड़ गया। जंग प्री प्लान था एक्चुअली, इन लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि टीपू इस तरह से कुछ भी साइन में नहीं करेंगे, क्योंकि टीपू बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले थे, बहुत ज़्यादा जैसे ब्रिलियंट कमांडर, वो मरना पसंद करेंगे लेकिन वो इस तरह का बेइज्जती पसंद नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो टेरिटरी लिया था, टर्म्स एंड कंडीशन जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में लगाए थे, उसी से वो छटपटा रहे थे टीपू, ठीक है। अभी फोर्थ में उन लोगों को बोलेगा कि सब्सिडरी अलायंस साइन करो और मेरा हम लोग का बात सुनो, तो वो टीपू कुछ करने वाले हैं नहीं। तो ये लोग ऑलरेडी प्लान करके रखे थे कि किस तरह से टीपू को कैप्चर किया जाए। अभी क्या हुआ, देखिए, बॉम्बे से दो तरफ से टीपू को अटैक किया गया। कैसे कैसे, वेस्ट से बॉम्बे से आर्मी भेजा गया जनरल स्टुअर्ट के थ्रू और मैसूर को इन्वेड किया गया, ठीक है। प्लस वो वेस्ट से हो गया, अभी इधर से देखिए, मद्रास से क्या हुआ, आर्थर वेलेस्ली, ये कौन थे, ब्रदर ऑफ गवर्नर जनरल, ये जो रिचर्ड वेलेस्ली थे उन्हीं का भाई था ये आर्थर वेलेस्ली, इन्होंने मद्रास से अपना भेजा उनको श्रीरंगापट्टनम।
और श्रीरंगापट्टनम, श्रीरंगापट्टनम में जाके जो उनका कैपिटल है वहाँ पे उनको कैप्चर किया। तो इधर से मैसूर को इन्वेड किया, इधर श्रीरंगापट्टनम। तो टीपू फॉट बैक, वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले थे, उन्होंने बहुत लड़ाई किया, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, बहुत लड़ाई किए, लेकिन उनको कैप्चर करके एकदम उनको गोली मार दिया गया। और वो टीपू लड़ते लड़ते एकदम श्रीरंगापट्टनम उनका कैपिटल सिटी का गेट में आके उन्होंने अपना दम तोड़ा। ठीक है, टीपू हमेशा कहा करते थे कि एक दिन आप शेर के तरह ज़िंदगी जियो, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इज्जत है उसमें कि आप सारा ज़िंदगी एक भेड़ की तरह जियो। भेड़ की तरह जीने से बेहतर है कि हम एक दिन सारा ज़िंदगी भेड़ की तरह हम जिएंगे, उससे बेहतर है कि हम एक दिन एक शेर की तरह ज़िंदगी जिए। यही टीपू का लाइन से टीपू बोला करते थे। अभी देखिए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद क्या हुआ। एक 5 साल का जो लड़का था कृष्णराजा III, उनको मैसूर का जो डिसेंडेंट्स था, मैसूर जब विजयनगर एम्पायर का पार्ट हुआ करता था उस समय का, तो 200 साल बाद मतलब उन्हीं का फैमिली का जो था मैसूर में फिर से वो उनको राजा कर दिया गया। ये 5 साल का लड़का को राजा किया गया, मतलब सब्सिडियरी अलायंस ही साइन हो रहा है यहाँ पे देखिए। प्लस पुरनैया जो मिनिस्टर हुआ करता था टीपू का, उनको दीवान बना दिया गया। अभी मैसूर का जो किंगडम बचा हुआ था वो निज़ाम और ब्रिटिशर्स में बांट दिया गया। ब्रिटिशर्स ने कनारा रख लिया, वायनाड रख लिया, कोयम्बटूर, धर्मपुरी, श्रीरंगापट्टनम, ये सब अपने में रख लिए अच्छे अच्छे जो आपका सिटीज़ हैं। और निज़ाम को गुट्टी पहले ही वो लोग प्रॉमिस कर चुके थे गुट्टी देंगे, गुट्टी और प्लस चित्तौर और आपका चित्तलदुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है वो उनको दे दिया गया। प्लस देखिए ब्रिटिश रेजिडेंट परमानेंटली वहाँ पे सेटल हो गया, स्टेशन कर दिया गया मैसूर में, सब्सिडियरी अलायंस साइन हो गया। और टीपू के जो फैमिली थे उनको वेलोर फोर्ट में शिफ्ट करा दिया गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैप में देखिए, ये तो इतना छोटा सा है, उसमें सारे को और भी तोड़ के दोनों भाग हिस्से में बांट दिया गया। एक तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद को कुछ टेरिटरी दे दिया गया, प्लस जाके ब्रिटिशर्स अपने में रख लिए। ये देखिए यहाँ पे निज़ाम का दिख रहा है। हो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फोर्थ वाला जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है वो प्री प्लान था। बॉम्बे से जनरल स्टुअर्ट अटैक किए थे और मद्रास से आर्थर वेलेस्ली इन्वेड किए, मैसूर इन्वेड किए थे जनरल स्टुअर्ट और श्रीरंगापट्टनम आर्थर वेलेस्ली, और टीपू को वहाँ पे श्रीरंगापट्टनम में मार दिया गया। सो अगर हम लोग समराइज करें तीनों, तो देखिए हर जगह में इतना ही दिया हुआ रहता है, इसी को थोड़ा सा अब डिटेल्स लिख दिया जाता है। तो फर्स्ट वॉर जो है 1767 से 69 तक लड़ा गया था, हैदर अली थे, और उस समय का जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉलरस थे। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ था, उसमें इंग्लिश आर्मी डिफीट हो गया। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या था कि आप एक्सटर्नल अगर कोई भी अटैक करता है हैदर को तो हम लोग हेल्प करेंगे, ये था। सेकेंड जो एंग्लो मैसूर वॉर था ये 1780-84, उसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों, मतलब 82 तक हैदर अली, उसके बाद टीपू सुल्तान, वारन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में थे। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ था, ठीक है, तो वो आपका पीस ट्रीटी था, दोनों तरफ का जो सैनिक था उन लोगों को छोड़ दिया गया था। यहाँ पे हैदर का डेथ हो जाता है वॉर में, यहाँ पे देखिए वॉर में दिया हुआ, लेकिन वॉर में तो 82 में डेथ होता है और 84 में वॉर ख़त्म होता है। ये थोड़ा सा डाइसी है तो इसके ऊपर मत जाइए कहाँ पे डेथ हुआ था, मतलब किस तरह से डेथ हुआ था, क्योंकि कुछ बुक्स में कैंसर के वजह से भी दिया हुआ है। तो आप लोग इतना जानिए कि हैदर का डेथ हुआ था 82 में। नाउ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान के साथ हुआ था 1992। थर्ड हम पूरा आप लोग को डिटेल्स में बताए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम हुआ था, टीपू को डिफीट मिला था, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारे टेरिटरीज टीपू को देना पड़ा था, प्लस 1 करोड़ रुपया उनको इंडेमनिटी देना पड़ा था, अपना दोनों बेटे को वो कैप्चर करके होस्टेज बनाए थे, फिर जाके बाद में जाके छोड़ा गया। फोर्थ में तो टीपू का डेथ ही हो जाता है, उस समय लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, रिचर्ड वेलेस्ली, वो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये टोटल मैसूर ख़त्म होता है विथ सारा जितना भी आपका एंग्लो मैसूर वॉर्स है चारों, वो भी हमने क्लियर करवा दिया। यहाँ पे देखिए कुछ ब्रिटिशर्स ने नोटिस किया था आफ्टर द वॉर
देखिए, बोला था कि माइसोर पीजेंट्स वर मच प्रॉस्परस देन पीजेंट्स ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया। तो इससे पता चलता है कि टीपू का इकोनॉमी कितना अच्छा था, उनका जो कल्टीवेटर्स थे, उनका जो पीजेंट्स थे, बहुत खुश थे, बहुत अच्छे थे। सर जॉन शोर ने कहा है, पीजेंट्री ऑफ हिज डोमिनियंस आर प्रोटेक्टेड एंड देयर लेबर एनकरेज्ड एंड रिवार्डेड। तो उनका पीजेंट्री जो था टीपू का, उनको प्रोटेक्ट किया जाता था, प्लस वो जो मेहनत करते थे उनको एनकरेज किया जाता था रिवार्ड दे के। ठीक है, टीपूस माइसोर एज वेल वेल कल्टिवेटेड पॉपुलस विद इंडस्ट्रियस इनहैबिटेंट सिटीज़ न्यूली फाउंडेड एंड कॉमर्स एक्सटेंडिंग। बोल रहे थे कि उनका जो साम्राज्य था मैसूर का, बहुत ही ज़्यादा ही संपन्न था, कल्टीवेशन भी चरम सीमा में थी, बहुत अच्छे से कल्टीवेशन होता था, खेती होता था, प्लस जाके इंडस्ट्री लग रहा था, तो इंडस्ट्री जो है वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रहा था, न्यू सिटीज़ उन्होंने बनाया था, वो सब भी फाउंड हो रहा था न्यू सिटी, प्लस जाके कॉमर्स जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो भी एक्सटेंड हो रहा था। तो ये छोटा छोटा जो कोटेशंस है ना, ये सब आप लोग अपना आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोटेशंस कुछ यूज़ करते हैं तो उसमें नंबर्स भी आप लोग को ज़्यादा ही मिलता है। तो ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं मैसूर को। नेक्स्ट हम लोग मराठास देखेंगे। तो फिर अभी तक हम लोग ने तोड़ चुका है, बंगाल को तोड़ दिया है, बंगाल में और भी थोड़ा सा कुछ बाकी है, वो भी हम लोग देखेंगे। प्लस अवध को सब्सिडियरी अलायंस बना दिया है, हैदराबाद को अलायंस बना दिया है, अभी तो मैसूर भी अलायंस हो गया, कर्नाटक तो मिल ही गया था, मद्रास भी मिल ही गया, अपने कब्जे में ही है। तो मोटा मोटी पूरा इंडिया को हम लोग इधर साउथ में तोड़ चुके हैं, और साउथ में तोड़ चुके हैं, प्लस अभी मराठास लोग हैं उन लोगों को तोड़ना बाकी है ब्रिटिशर्स के थ्रू, और ऊपर में जो थोड़ा बहुत राजपूत और गोरखा वो सब सिक्स पंजाब हम लोग पार्ट बाई पार्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।